हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल एबी टॉक्स में। दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है रहस्यमयी कंगन। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की थी। गर्मी की छुट्टियों में सारिका हर साल की तरह इस साल भी अपने दादी गाँव भीमपुर को जाती है। सारिका जब अपने दादी के घर पहुँचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर यह बात किसी को पता नहीं थी कि इनकी खुशियों में जल्द ही ग्रहण लगने वाला था। सारिका का कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन सारिका अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपने सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ढेले से आम तोड़ने की कोशिश करने लगी और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि आखिर क्या है ये सोचकर उस पोटली को बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें से उसे एक सोने का कंगन मिलता है जो बहुत पुराना दिख रहा था। सारिका को पता ही नहीं था कि कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला था। वो कंगन उसे अपने ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर में लेकर चली आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने उसे जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी और तुमने यह कंगन जो है उस पोटली से निकाल कर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी? दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे लेकर आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सेल चुड़ैलें अपना बदला लेती है, वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मूर्ति है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है जिसकी आँखें एकदम लाल है और एकटक से उसे ही देखी जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपने दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र ही नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी हुई मिलती है। सारिका अपने दादा को खोजने लगती है पर उसके दादा उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादी को सारी कहानी बीते रात की सारी कहानी जो है बता देती है। तब उसकी दादी बताती है कि वो दोनों अपने ही कमरे में ही थे। दादी सब समझ जाती है और उन्होंने बोला कि यह सब उस चुड़ैल का किया हुआ है, वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। फिर सारिका बोलती है, चलो ना दादी अभी कंगन रख आते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही वो कंगन उसे लौटाना होगा और वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी, इसलिए दादी रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध देती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था कि वो चुड़ैल तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है, फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुँच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था कि उसकी तरफ मत देखना तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करके उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेज़ी से वहां से भाग जाती है।
सीधे वो अपने घर पर आकर नहीं रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही अपने शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे वो आज भी सोचकर डरने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी सारिका की। अपने बच्चे पर जरूर ध्यान रखें और उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो कि हम किसी गलती से किसी मुसीबत को अपने घर ले आते हैं। तो दोस्तों बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।